नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम। राष्ट्रवादी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार का जन्मदिन भिवंडी शहर। राष्ट्रवादी पार्टी पिछले 12 तारीख से लगातार सामाजिक कार्य कर मना रही है। भिवंडी में सामाजिक कार्य राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यालय पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अपना रक्त देकर सबसे श्रेष्ठ दान कर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। भिवंडी से अमृत शर्मा, एसटीएस टाइम्स। शरद पवार जी का जो जन्मदिन पर जिस तरह से भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी बड़ी तेजी से बड़े प्रोग्राम कर रही है और लोगों को जोड़ रही है, आपका क्या कहना है? आज यहाँ पर ब्लड कैंप भी है जी। हमारे सुप्रीमो शरद पवार जी का बर्थडे हमने बहुत ज़ोर शोर से मनाया। पूरा हफ्ता ये चला, 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक। इस बीच हमने 12 तारीख को तो सेलिब्रेशन किया ही, और शाम के समय ओल्ड एज होम में हमारे टावरे साहब जो गए थे, उन्होंने खाना वहाँ पे बिछा के बर्थडे केक काटा और खाना वगैरह वितरण किया। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स भी लगाए, उसके बाद फ्री मेडिकल कैंप्स, और आज आप देख रहे हैं कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है। आज हमारा टारगेट 300 बॉटल्स का है। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ब्लड कैंप कोरोना दौर की वजह से ब्लड की कमी हो गई है, और उसको पूरा करने के लिए हमने अपनी तरफ से सहायता, गवर्नमेंट को सहायता करने के लिए हमें ये सुझाव किया कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं और अपनी तरफ से इस कमी को पूरा करें। मैडम, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रवादी की तरफ महिलाएं अभी बढ़ रही है, महिलाएं जुड़ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब अच्छी एजुकेटेड महिलाएं जो है राष्ट्रवादी के साथ जुड़ना शुरू हो गई है, और हमने आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी महिलाओं को जोड़ने का संकल्प लिया हुआ है। बहुत सारी लॉयर्स, डॉक्टर्स, महिलाएं भी आगे दिखेंगे कि अगले हफ्ते तक भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ने वाली हैं इसमें। आगे जाके हम महिलाओं के लिए बहुत सारा विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो भिवंडी की सबसे बेस्ट, महिलाओं के लिए भी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट पार्टी बन के उभर के आने वाली है। थैंक सर। आज यहाँ पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और शरद पवार जी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से भिवंडी शहर में पार्टी ने मनाया, क्या कहेंगे? आज जो यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया, यह हमारा 12 तारीख से प्रोग्राम चालू है। हमारे सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार साहब, इनका 80वां जन्मदिन हम लोगों ने पाटीदार हॉल में बड़े धूमधाम से मनाया, और फिर उसके बाद उसी दिन शाम को जो वृद्धाश्रम है उनको खाना और उनके साथ में केक काटा। उसके बाद में दूसरे दिन हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाए और मेडिकल कैंप को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके दूसरे दिन फिर से हम लोग ने स्पोर्ट्स जो था, कराटे और योगा, जो महिला सक्षमीकरण करना चाहिए करके जो अभियान चल रहे, उसमें बहुत से लड़की लोगों ने हिस्सा लेकर कराटे में और योगा में उस दिन हम लोग राष्ट्रवादी के बैनर के नीचे ये किया, प्रोग्राम किया।
आज जो 19 तारीख को ब्लड कैंप लगाया है, ये हम लोग जो महाराष्ट्र में ब्लड की बहुत कमी हुई है कोरोना की वजह से, कोई कॉलेज चालू नहीं, कोई कंपनियां चालू नहीं, तो बहुत से जगह पे ब्लड कैंप लगे नहीं थे। लेकिन हमारे पवार साहब के जन्मदिन के अवसर पर हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं जयंतराव पाटिल साहब, उनके आदेश से हर जिले में हर तालुका में मीडिया ये जो ब्लड कैंप लगाया है, हमारे जो राजेश जी टोपे साहब है जो आरोग्य मंत्री, उन्होंने इनको सबको आदेश दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड संकलन होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ब्लड की कमी हुई है। उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए हम भिवंडी शहर में आज 300 बैग का टारगेट रखकर आज ब्लड कैंप लगाया, और उसके लिए बहुत से लोग आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं सभी भिवंडी वासियों को जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ पार्टी की तरफ।